हाय गाइस, वेलकम टू क्यूटेक भाई। तो आपके लिए एक और खुशखबरी है, आपका यूपी मेट्रो में वैकेंसी निकल के आई हुई है। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि आपकी वैकेंसी लगातार आने वाली हैं और आप जानते हैं कि ये किस कारण आ रही हैं और क्या वजह है उसकी। और वैकेंसी आपकी जो बड़ी वैकेंसी है आरआरपीजी एलपी भी आपका जल्द ही नेक्स्ट ईयर में आपको सुनाई देगा, ये गारंटी के साथ है पक्का। तो क्योंकि आपका एलपी का वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ है, दो चार बच्चों का मुझे मैसेज किया है, उनका सिलेक्शन हो गया है वेटिंग लिस्ट का, जो कि आपका हुआ था 18 में। आपका जेई में भी ऐसे ही हो रहा है, आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम जो हुए थे वो सभी ओवर हो चुके हैं, सबका रिव्यू हो रहा है और आपका वो सेक्शन हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी पूरी है कि आपका नेक्स्ट ईयर आपका फरवरी मार्च से मान लो आपका या अप्रैल तक भी, मैं चाहता भी हूँ थोड़ा लेट हो ताकि आप जो अभी एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि लगातार एग्जाम रहेंगे तो क्या होता है कि होता नहीं जैसे बाहर आगे भी चली गई ऐसा फिर सूखा नहीं, हर समय कुछ माहौल बनता रहे तो सही रहता है ना। तो अभी आपका आईएमडी लाइनअप में है, आपका डीआरडीओ लाइनअप में है, अभी आपका मेट्रो आ चुका है, इससे पहले आपका जो एमपी वालों के लिए आईटी आया हुआ है और उसके पहले आपका सेल आया हुआ था और नाभिक यांत्रिक भी आया हुआ है। तो इसलिए जो वैकेंसीज हैं थोड़ा सा ये सभी अच्छे से हो जाए उसके बाद आपका आए तो फिर मजा आएगा कि हाँ आपके पास ऑप्शंस रहेंगे और आपका ज्वाइनिंग भी लगातार आता रहेगा कि भाई मेट्रो में आ जाएगी कल, उसके बाद पता कि डीआरडीओ में आ गया, फिर आपका बीएआरसी भी आने वाला है उसमें भी आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए अगर आप अभी भी जगह नहीं है जग जाइए, वैकेंसीज आपकी लगातार आने वाली हैं, 2023 आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाने वाला है। 23 इसलिए ये जितने भी एग्जाम हो रहे हैं इनका रिजल्ट 23 में ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी तैयारी अच्छे से करेंगे। और चलिए बात करते हैं अपने इस वीडियो में कि क्या क्या बातें होने वाली हैं। सो एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, सैलरी आपको पता ही रहेगी कैसे क्या होगा, सिलेबस क्या रहेगा और कैसे हम इसकी तैयारी कर सकते हैं, इसके पीछे मैंने काफ़ी रिसर्च की हुई है। क्योंकि ये जो वैकेंसी आपकी है 2019 में आई थी, फिर आपका 2021 में आई, आपका 22 में आई है, यानी कि जैसे जैसे मेट्रो बनती जा रही है वैसे वैसे आपकी वैकेंसीज आगे ऐसे बढ़ती जाएंगी। राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, बिहार हो गया, ये सभी के आपके हिंदी बेल्ट्स हैं, तो मोस्टली यहाँ पे आपको फिर अलाउ कर दिया जाएगा जो भी रहेगा जैसा रहेगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं अपने वीडियो के बारे में, नहीं तो कहेंगे सर क्या बातें हो रही हैं और ये बातें काम की हैं। तो इसलिए फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब का सपना है, अगर आपका ड्रीम है, तो आप तैयारी करने में जुट जाइए। तो आइए बात करते हैं, तो आपका जो डेट है ये आपका 1 तारीख से आपका फॉर्म यहाँ पे क्या होगा, ओपन होगा। 1 तारीख से आपका फॉर्म ओपन होगा और आपका जो फॉर्म रहेगा वो 30 नवंबर तक आपका रहेगा, 1 नवंबर से 30 नवंबर। एंड आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो 2 जनवरी दिया हुआ है, 2 और 3 जनवरी उन्होंने दे रखा है, यानी कि ये अभी तक का रहा है कि जब भी एग्ज़ाम डेट उन्होंने दिया है आपका एग्ज़ाम उसी दिन ही होता है, ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए आप 2 और 3 जनवरी यानी मान लीजिए आपका 2 से 2.5 महीने, जो कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, फिर से आपसे कह रहा हूँ कि आप वेट मत करा करिए फॉर्म का, कभी भी फॉर्म आएगा तो वो 2 से 2.5 महीने आपको देंगे, ज़्यादा देंगे भी नहीं, 3 महीने मैक्स टू मैक्स हो गया। तो बाकी कुछ फॉर्म में तो वो 2-2 साल देते हैं, वो बात की बात है। तो आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो आपका 2 जनवरी में दे रखा है, तो हमको दिमाग में लेकर चलना है यही, आपका कम से कम 2 से 2.5 महीने बचे आपके पास हैं। और आपका 1 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होगा, अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है आपका, फिर आपका लखनऊ मेट्रो आपका 50-50 जो आपका जॉइंटली है एज यू नो, वो आपका उन्होंने पूरा प्रॉपरली बताया हुआ है। अब बात करते हैं कि भाई एग्जीक्यूटिव कैटेगरी यानी कि आप जो बीटेक वालों के लिए कितनी एलिजिबल, कितना आपका अवेलेबल है सीट, तो आपका जो अवेलेबल है वो है 5 ओनली 5 है आपका सीट, जिसमें 4 UR के आपके हैं और आपका OEWS का 1 है, जिसमें आपका बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इक्विवेलेंट, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका 60% होना चाहिए मिनिमम क्राइटेरिया आपका, और आपका जो एज है वो 21 से 28 होना चाहिए। तो इन्होंने तीनों यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें आपको कोई शक नहीं होगा, जिसका भी 60% से कम है वो अप्लाई नहीं कर सकता है, और कृपया वो अप्लाई ना करे तो ही अच्छा, बाद में आपको निकाल देंगे क्या फ़ायदा। ठीक है, और आपका जो एज काउंट किया जाएगा वो 1/11/2022 से काउंट किया जाएगा, 1/11/2022 यानी कि आपका जो जिस दिन से फॉर्म ओपन होगा उस दिन से बात की जाएगी। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रिकल का भी है, सिविल का भी है, वो अपने रिस्पेक्टिव टीचर से आप बात कर सकते हैं, बाकी मैं आपका यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बात करता हूँ जेई में, SNT आपका सिग्नल टेलीकम्स का बोलते हैं, आपका 17 वैकेंसीज हैं, आपकी जो सैलरी है वो 33 से आपका 67,000 आप जानते ही हैं, इसमें आपका 3 ईयर डिप्लोमा होना कंपलसरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है और इक्विवेलेंट है, यानी कि सभी एलिजिबल हैं इसमें जितने भी हैं। आपका एज यहाँ पर वही 1 से 11 आपका दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, और आपका जो एज रहेगा वही आपका सेम रहेगा, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि यहाँ पर कैंडिडेट कैन अप्लाई मोर देन वन पोस्ट, यानी कि यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि कैंडिडेट कैन अप्लाई मोर देन वन पोस्ट, इट मीन्स वॉट कि भैया पक्का यहाँ पर कुछ मामला इन्होंने सेट किया हुआ है। सर क्या किया इन्होंने, इन्होंने बोला है कि फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर ऑल डिसिप्लिन, आपका जो भी है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल आपका और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें अगर आपका डिप्लोमा है और आपने अगर बीटेक भी किया हुआ है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं डिप्लोमा भी और बीटेक वाले में भी, लेकिन अगर आपका डिप्लोमा नहीं है तो आप जेई में फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया अगर आपका डिप्लोमा मस्ट है, डिप्लोमा अगर है, आपने बीटेक भी किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं दोनों पोस्ट के लिए, बीटेक के लिए भी डिप्लोमा के लिए भी, लेकिन अगर आपका डिप्लोमा नहीं है और आपका बीटेक है तो सिर्फ बीटेक वाले में ही फॉर्म भरेंगे।
बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ भाई। और आपका जो सिलेक्शन होगा उसके बाद आपको लखनऊ, कानपुर, आगरा कहीं भी आपको सेंड कर सकते हैं, ये एज पर रिक्वायरमेंट। बाकी कहीं और मेट्रो होंगे तो वहां भी आपको सेंड कर सकते हैं। आपका जो एग्जाम डेट है वो टेंटेटिव पोस्टपोन भी हो सकता है, ये पूरी राइट्स उनके पास हैं। बाकी ऐसा होता नहीं है, हमको अपना लेके चलना है, 2 जनवरी वाला अपना लेके चलना है प्रॉपरली, ठीक है। चलिए भाई बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी आपका होगा, डीवी स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होता है। उसके बाद आपका ये रहेगा, ये किसके लिए है आपका, जो आपका असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आपकी है, सिविल की, इलेक्ट्रिकल की और एसएनटी की, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की। इसी नाम से आपका रेलवे जेई में भी आता है भाई साहब, समझ रहे हैं आप। अच्छा, फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट्स के लिए आपका 2 सीट आपके होंगे, रिटन टेस्ट होगा आपका, फिर डीवी एंड आपका मेडिकल। फिर आपका जूनियर इंजीनियर आपका जो पोस्ट आपकी रहेगी उसके लिए क्या होगा, आपका रिटन टेस्ट होगा एंड आपका डीवी, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन आपका हो जाएगा सिंपली आपका दिस वन, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। अब मुद्दे की बात आती है कि रिटन टेस्ट क्या होगा, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो विश्वास मानिए, मैं आपको भी दिखाऊंगा कि जब से ये आपका स्टार्ट हुआ है रिक्रूटमेंट आपका 2019 से, 1921 दो बार हुआ है आपका, एकदम डिक्टो यही लाइन उन्होंने रिपीट की हुई है, डिक्टो यही एकदम कट टू कट यही लाइन रिपीट की हुई है। मैं आपको भी दिखाता हूँ भाई, इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ पर उन्होंने दिया भी है भैया कि आपका जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड आपका पेपर होगा वो 1 या 2 मोर डेज में होगा, और क्वेश्चन पर जो आपका होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, एंड इट विल कंसिस्ट आपका इसमें एमसीक्यू रहेंगे, आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, लॉजिकल एबिलिटी रहेगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहेगा, एंड नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन, मतलब कि आपका जो टेक्निकल जो लेवल आपका है, जो आपका ब्रांच है उससे पूछा जाएगा। अच्छा, SCTU आपका हुआ आया था 2021 में, स्टेशन कंट्रोल का 160 वैकेंसी थी, वहां पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंबाइंड आपका आया था, तो वहां पे भी उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज बोला था, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज आपका आया नहीं था, ये मैं आपको दिखाता हूं अभी। बाकी ऐसा नहीं कि आप इसको ही लेके चलेंगे, क्योंकि आपका जो आगे रहेगा बात करेंगे भी इसके बारे में, ठीक है। 140 क्वेश्चन आपके थे, और ये हर बार आते हैं 140 क्वेश्चंस। 140 क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि इक्वली मार्क्स रहेगा, और आपका 1/3 क्या रहेगा, मार्क्स आपका रहेगा 1/3, यहाँ पे निगेटिव रहेगा, एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, निगेटिव मार्किंग रहेगी, और आपका 2 आवर का पेपर रहेगा, यानी कि 120 मिनट में 140 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। अब इन्होंने यहाँ पर ये नहीं एक्सप्लेन किया कि 140 कैसे रहेंगे, लेकिन एज पर द पास्ट जो आपका पेपर हो चुका है उसके हिसाब से आपका 90 रहेगा टेक्निकल, आपका 20 रहेगा जो आपका लॉजिकल रीजनिंग, आपका जो एप्टीट्यूड दिया हुआ है वो आपका रहेगा, 20 आपका कंप्यूटर भी आता है, एंड 10 आपका क्या आता है, जीके आता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जबकि SCTU में डिक्टो यही सिलेबस उन्होंने दिया हुआ था लिख के, और बाद में उन्होंने पेपर में जो आपका जो टेक्निकल तो 90 आपका जो था वो सेम ही आया था, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ था, लेकिन जो आपका नॉन टेक था उसमें उन्होंने गड़बड़ घोटाला किया था, इंग्लिश दिया ही नहीं, समझे आप। अभी बात करते हैं उसकी। बाकी आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर आपका रहेगा वो लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, यही सब का रहेगा, जितना भी आपका है, यानी पूरा यूपी वो कवर करेंगे, यानी वेस्ट यूपी, ईस्ट यूपी, जो भी आपका रहेगा सब कुछ वो कवर करेंगे, गाजियाबाद हो गया, अलीगढ़, मुरादाबाद हो गया, मथुरा हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बात और है, यहाँ पर उन्होंने साफ साफ बोला हुआ है कि जो कैंडिडेट आपके अप्लाई करेंगे 2 पोस्ट के लिए, तो आपका एग्जाम जो रहेगा वो अलग अलग रहेगा, लेकिन हो सकता है कि आपकी सिटीज दूर दूर हो जाएं, तो ये आपको सोच के ही फॉर्म फिल करना है। अगर आप उसके लिए प्रिपेयर है, मान लो का एग्जाम आपका इलाहाबाद में है तो आपका होगा लखनऊ में नेक्स्ट डे, तो आपको वो ट्रेवलिंग का आपको देखना पड़ेगा। उन्होंने साफ साफ बोला हुआ है, मस्ट कीप दिस कॉम्बिनेशन इन माइंड, आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा कि वो हो सकता है आपका मेन सिटी में रहेंगे, वो ट्राई तो ही करते हैं, वो हर बार ऐसे ही होता है, वो दे देते हैं, लेकिन कभी कभी मान लो नहीं हुआ तो वो बचने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, ताकि उन पर फिर आप लांछन ना लगा दें कि अरे ऐसे कैसे होता है, ठीक है। तो इसलिए चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपका बाकी क्या आपका बचा। यहाँ पे सब कुछ आपका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका बॉन्ड साइन होगा 94,000 का, आपका 30,000 का आपका फॉर्म बॉन्ड साइन रहेगा। अगर आप छोड़ते हैं तो क्या करेंगे, वो आपसे ये पैसे वापस आपसे लेंगे, ठीक है। बाकी पे वगैरह आपने देखा ही है, कोई दिक्कत नहीं। TA DHR आपको सब मिलता है। 590 जो आपका ये फीस है ये हर बार वही रहा है, 590 आपका 236 भाई, 590 एंड आपका 236 आपका फीस रहेगा ये आपका। एंड अब बात करते हैं, ये वीडियो मैंने बनाई थी कब, जब आपका SC2 आया था, एलिजिबिलिटी बात कर रही है आप, यानी कि जो आपका जो क्या सिलेबस आपका रहेगा उसके रिगार्डिंग। तो सिलेबस तो अभी आपका मेंशन नहीं किया गया है आपकी वेबसाइट पे, मैंने देखा सर्च किया सुबह से, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन सिलेबस वो देते हैं, क्योंकि पिछली बार सिलेबस उन्होंने दिया था जब आपका SC2 हुआ था। तो क्या हुआ था, जब आपका फॉर्म ओपन हुआ था तभी से ये क्या हुआ, स्टार्ट आपका हुआ था, तो यहाँ पर उन्होंने प्रॉपरली गिवन था, ठीक है। और सिलेबस यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ था बकायदा आपका, कि भाई एग्जाम सिलेबस आपका ऑपरेशंस के लिए, देखिए SCTU के लिए आपका, फिर इलेक्ट्रिकल मेंटर, ITI वालों की वैकेंसी आई थी, ITI वालों की भी आई थी यहाँ पर, तो अभी तो ITI साथ नहीं आई है, लेकिन आती है तो वो आप देते हैं आपका, तो पॉसिबिलिटी पूरी है कि वो देंगे। तो SCTU जो पिछली बार हुआ था ना, उसमें आपका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों कंबाइंड था, तो उसमें कुछ सिलेबस आपका इलेक्ट्रिकल का भी था, यानी कि आपका मशीन भी था और आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी था, जो भी था आपका, ठीक है, सभी कुछ आपका अवेलेबल था उसमें, आपका उसमें इंस्टॉलेशन कॉस्टिंग भी था, लेकिन आपका जो पूरा सिलेबस आया था वो इलेक्ट्रॉनिक्स से ही आया था, इलेक्ट्रिकल कुछ नहीं आया था, बस थोड़े बहुत क्वेश्चन आए थे मशीन से बेसिक एकदम बच्चों वाले, ठीक है।
तो सिलेबस का हम वेट कर सकते हैं उस तारीख, 1 तारीख को सिलेबस दें। अभी तो मैंने देखा सिलेबस मुझे नहीं मिला, अगर हाँ किसी को मिला हो तो कृपया मुझे भेज देंगे ताकि मैं आप उस पर लिए दोबारा वीडियो बना दूंगा। तो ये वीडियो मैं तब बना रहा हूँ जब आपका सिलेबस मुझे नहीं दिखा है, क्योंकि तो हो सकता है मैंने ना देख पाया हूँ। अगर आपने देखा हो तो आप मुझे भेज दीजिएगा, तो मैं उसके लिए फिर एक से वीडियो और बना दूंगा। और जो वीडियो रहेगी आपको इसी चैनल पे मिलेगी, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको, और अगर मुझे मिल गया ना तो मैं इसी वीडियो नीचे उसका सिलेबस का लिंक भेज दूंगा। मान लो मुझे मिल गया, किसने भेज दिया, तो मैं सिलेबस का जो वीडियो रहेगा मैं यहीं पे कमेंट में पिंग कर दूंगा, तो आप देखते रहिएगा भाई कब आपका सिलेबस का कैसे आपका है, ठीक है। बाकी मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये आपका पूरा कहानी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई स्लेब जो पेपर पैटर्न आपका कैसा आता है और उसमें कैसे आपका हुआ है। जस्ट वेट फॉर सेकेंड, देखो जैसे यहाँ पे लिखा है ना आपने 140 क्वेश्चन, देखो आप आपका दिखाता हूँ, जस्ट वेट। ये देखिए आपका, ये आपका है 2021 वाला, ये देखिए आपका 21 का है, दिख रहा होगा ना, ये देखिए 2021 आपको दिख रहा होगा, ये देखिए 21 में आपका आया था, ये SCTO का आया था, यानी कि इसमें वैकेंसी आपकी अच्छी खासी वैकेंसी थी। SCTO में आपका 186 पोस्ट आपकी थी, देखिए 186 पोस्ट थी आपकी SCTO में आपका, ठीक है। और इसमें 3 ईयर डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल भी था, इलेक्ट्रॉनिक्स भी था, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकोमेशन था, तो स्टेशन कंट्रोल की वैकेंसी थी, तो आप वो जान सकते हैं। और देखिए इसमें आपका जो पैटर्न था, देखो सेम इन्होंने दिया वही इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एबिलिटी, देखो सेम टू सेम वही लाइन कॉपी करते हैं, हर बार भी कॉपी करते हैं, कोई चेंज नहीं करते। ये 2 आवर्स 140 ऐसा आपने दिया हुआ। ये जो 100 क्वेश्चन दिया है ना, ये ITI वालों के लिए था, ITI वाले बच्चे हमारे हैं उनके लिए था, इस बार वो नहीं दिया है। आपका आएगा, डोंट वरी, पढ़ा मत होगा, जो ITI बच्चे हैं तो ये उनके लिए है, बाकी 140 ये आपके लिए है, आपके लिए है। अच्छा अब भाई देखो आप यहाँ पे सेम आपका देखो आया था 19 में देखो आपका सेम वही था आपका, देखो 19 में आपका ये रहा, ठीक है। और इसमें जो वैकेंसी थी आपकी, वैकेंसी वही थी असिस्टेंट मैनेजर की, देखिए 28 18, और आपका 6 ये रहा। फिर उसके बाद आपका जो है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट आपका जो जूनियर इंजीनियर थी उसमें देखिए 17 आपका उस बार भी था, SNT का 70 वैकेंसी थी आपकी, 17, ठीक है। और इसमें भी आपका देखो सेम टू सेम वही लाइन इन्होंने कॉपी की है, 140 क्वेश्चंस आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन आप लिखा हुआ है, बस उन्होंने चेंज ही किया है जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन ये लिखा था, बाकी सब मैंने गायब कर दिया था। और 21 में कंप्यूटर से क्वेश्चन आए थे 20, वहां आंसर नहीं था, तो जनरल अवेयरनेस जो लिखा हुआ है इसको ही बाय डिफॉल्ट समझिएगा। देखो अब इसमें देखो इसमें देखो फर्क क्या है कि यहां पे ओनली जनरल अवेयरनेस लिखा है और यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो लगता है इन्होंने ये गलती से टाइप नहीं किया होगा, वो काट दिया होगा और पूरा आपका जनरल अवेयरनेस आ गया सिंपली, तो वो कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट उसमें अटैच हो गया। और सेम आपके इस बार भी जो आपका वैकेंसी में आपका आया हुआ है इसमें देखो वही दिया हुआ है सेम टू सेम, देखो आपका इंग्लिश जनरल अवेयरनेस, तो कंप्यूटर आप पढ़ सकते हैं, पॉसिबिलिटी पूरी है। अच्छा कंप्यूटर आया भी था कि ऐसे ही आप बोल रहे हैं टाइम पास करने के लिए, तो मैं दिखाता हूं आपको, देखिए आप ये रहा देखो ये पेपर आपका किसका है, SCTO का देखो। अब ये टेक्निकल आपका था, टेक्निकल देखो लिखा हुआ है टेक्निकल आपका, तो ये टेक्निकल आपके 90 क्वेश्चन है, दिखाता हूं देखो 90 क्वेश्चन आपके, ये देखो आपका टोटल कितने हैं 90 क्वेश्चन है। तो ये अभी सिलेबस मैं लेकर नहीं चल रहा हूँ कि भाई सिलेबस आपका आगे हो सकता है वो दें, इसलिए बाकी सिलेबस अगर नहीं देंगे तो हम लोग प्लान कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, आप बड़ी मत करिए उसके लिए। 90 क्वेश्चन आपके देखो ये आए हुए हैं। उसके बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद आपका आया जो है नॉन टेक वाला पार्ट आपका, ये देखो न्यूमेरिकल लॉजिकल रीजनिंग आपका जो है ये वाला, देखिए इसमें कितने क्वेश्चन भाई साहब, इसमें आपके 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, देखो आपके 20 रहेंगे। और ये हिंदी की जोन रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है, हिंदी की जोन रहेगा ये, ये देखो 20 आपके हो गए। फिर उसका देखो कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका, देखो ये कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका कहीं मेंशन नहीं है लेकिन ये दिया हुआ था। और 20 क्वेश्चन दिए भाई साहब, कितने दिए थे, 20 दिए थे, 20, और आपके 10 क्वेश्चन कितने थे, GS के थे आपके, देखो जी के आपका 10 क्वेश्चन, ये रहा आपका, तो कितने हो गए भाई आपका 90 और 20 आपका क्या हो गया आपका भाई, 20 आपका हो गया रीजनिंग और आपका जो एप्टीट्यूड है वो, और 20 आपका हो गया कंप्यूटर का, तो 90 और 40 130 हो गया, और 10 आपका हो गया GK, हो गया 140, ठीक है। तो ये पैटर्न आपका है, बाकी इसका प्रॉपर मैंने आपसे पहले भी कहा है, अगर सिलेबस वही रहा जो पिछली बार था SCTO में, आपका वही सेम पैटर्न आपका है अगर, तो आपके लिए पता ही आपको क्या करना है, आपका सिंपल सा आपके पास मास्टर कोर्स क्या है अवेलेबल है, बात समझ नहीं जा रहा हूँ, मास्टर कोर्स अवेलेबल है। अगर आपका कंट्रोल हो सकता है वो दे देंगे क्या पता, तो कंट्रोल मैं आपको ऐड करा दूंगा इसमें, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मास्टर कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी वैकेंसी आएगी हम आपके लिए बैठे हुए हैं, क्यों परेशान हो आप। और देखो सेम अमाउंट में आपको कुछ पे नहीं करना है एक्स्ट्रा, कोई फालतू एक पैसा फीस नहीं पे करना है, बस एक बार पे करना है, आपको सब कुछ अवेलेबल कराया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप अभी भी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बार बार वैकेंसीज आ रही हैं तो आपकी आंखें खुलने के लिए आ रही हैं, हर बार क्या होता है मोटिवेट होते हैं फिर सोचते हैं अरे यार इतना है चलो देखेंगे, तो इसलिए अभी भी आंख नहीं खुली है तो खुल जाइए, जाइए भाई। और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो वैकेंसी आएगी, आती है वैकेंसी, मैंने क्या बोला आपको, वैकेंसी आती है, बस ये होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट से आती रहती हैं, ये आती पक्का है। और जो मुझे अभी फॉलो कर रहे हैं कुछ समय से वो जान रहे हैं, वो समझ रहे हैं इस चीज़ को, तो इसलिए
आप ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप यही बैच ज्वाइन करिए, आप यूट्यूब पे मेरी क्लासेस चलती हैं, प्रैक्टिस बैच चलता है वो आप देख सकते हैं। अभी आपका फेस्टिव सीजन चल रहा है इसलिए क्लासेस थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही हैं, लेकिन डोंट वरी, आप लोग की जो ये आपका जो प्यार ये सपोर्ट है इसको मैं पक्का रिपे करूंगा, क्योंकि आपकी भरोसे आपकी ही चीज़ चल रही है, आपके भरोसे कुछ हो रहा है ऑब्वियस बात है। और आपने जो ये सपोर्ट आपने प्यार दिखाया है उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। बाकी जो क्लासेस आपकी हैं ये आपको भरपूर यहाँ मिल जाएंगी। एमसीक्यू पैटर्न वो कराता हूँ आपको जैसे पता ही है, और मैंने हमेशा वादा पूरा किया है, आपको ये अच्छे से पता है भाई। कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, ये नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, फील फ्री टू आस्क। कोई भी दिक्कत है, वन स्टॉप सॉल्यूशन आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, कोई वैकेंसी आपकी आएगी सबके लिए हम प्लान करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, रखिए अपना आप, हंसते मुस्कुराते रहिए। और आप जानते ही हैं क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। बाकी मैं कहता कि आपको मैं अपलोड कर रहा हूँ थ्योरी क्लास आपको, ताकि आपका कोई भी दिन खराब ना हो और आपको भी कुछ नॉलेज मिलता रहे, ठीक है। तो इसलिए आप क्लास में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसको भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। दिवाली है, एएलपी की वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई है, सभी लोग मजे कर रहे हैं, आप भी इंजॉय करिए, विश्वास मानिए। जिस पे बीतती है मैं समझ सकता हूँ, जिस पे बीतती है वही जानता है, मैं बस बोल सकता हूँ, लेकिन हम पे बीतती थी तो हमको भी लगता था कि यार जिस पे बीतती है वही जानता है, बोलना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। लेकिन आप कर सकते हैं और आपके पास दम है और आप करेंगे, और आप ही मुझे मैसेज करेंगे कि सर मेरा हो गया, तो वो खुशी का मजा ही कुछ और है। बच्चे बोले सर कि आके आपसे हम बात करेंगे यूट्यूब पे जो भी रहेगा, मैंने कहा बेटा देखो आप जानते हो, हम जानते हैं, बस हो गया, बाकी मौका लगेगा तो हम करेंगे आराम से, जब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी, आपको बैठाने की व्यवस्था हो जाएगी हमारे पास कि हाँ बैठा के आपका इंटरव्यू ले सकें, तो आपका इंटरव्यू हम लेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो बस ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और ऐसे ही आप सक्सेस लेते रहिए, बस यही चाहिए हमको, कुछ नहीं चाहिए। आपके माता पिता जो इतना त्याग कर रहे हैं आपके लिए, उस त्याग का फल मिले उनको, ये इंपॉर्टेंट है, उनसे बड़े कोई नहीं है, वो हैं फिर उसके बाद हम हैं, हम गुरु हैं तो हम भी हैं, लेकिन पहले वो हैं, क्योंकि वो सबसे बड़े गुरु हैं, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं, वो एक साक्षात भगवान है। मतलब भगवान अगर नहीं आ सकते अर्थ पे तो वो उन्होंने उनको भेजा है, तो उनको देखते हुए आप उनको, उनके लिए जो करना चाहते हैं आप, उनके ड्रीम के लिए आप पढ़ो। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप पेट लो, कोई ज़रूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस करते रहो, आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी थ्योरी वीक है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप थ्योरी कर लो, ये मैं कहता हूँ आपसे कि भाई थ्योरी आप अच्छे से 2-3 महीने जम के कर लो अच्छे से, बाद में आपको पछतावा नहीं होगा, नहीं तो आप ऐसे भटकते रहेंगे, फिर आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा, फिर ऐसे ही आप फिर गड़बड़ हो जाएगा सब, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, अपना फसल में बताइए, बाकी त्योहार का सीजन है, एंजॉय करिए, लेकिन बी सेफ और ध्यान रखिए अपना, और अपने छोटे भाइयों का भी ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए, जो भी आपके छोटे भाई बहन आसपास हैं, माता ध्यान रखिए अपना, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।